जान से प्यारी हो मेरी। अच्छा दिख रहा तुम्हें मैं कितनी कि उठा के ले जाएंगे हम, मतलब कि लोन अगेंस्ट वाइफ है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? तो भाई अभी का सीन ये है कि अभी हम छत पे बैठे हैं और कर रहे हैं गेहूं साफ। और भाई इंट्रो सूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंट्रो सूट अब नीचे नहीं कर सकता क्योंकि बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियाँ। तो भाई नीचे जहाँ भी शूट करूँगा बच्चे पकड़ लेंगे और जाके मम्मी को बता देंगे कि पापा आपके ऊपर प्रैंक करने वाले हैं। तो भाई आज का जो प्रैंक होने वाला है ना बहुत यूनिक होने वाला है, यूनिक होने वाला है। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ कि आपने बहुत सारे लोन देखे होंगे, आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखा होगा, आपने होम लोन देखा होगा, आपने पर्सनल लोन देखा होगा, आपने गोल्ड लोन देखा होगा। तो भाई आज जो मैं लोन लेने वाला हूँ ना वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे यूनिक लोन है जो मैं आज लेने वाला हूँ। और कौन सा लोन लेने वाला हूँ मैं तो वो तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। और भाई वीडियो अगर अच्छी लगे और कहीं पे भी हंसी आए ना आपको तो भाई वही लाइक का बटन दबा देना क्योंकि लाइक दबाने में सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हो। तो ज़्यादा इंट्रो में खींच नहीं सकता क्योंकि नीचे वो गई है गेहूँ को साफ करने के लिए छन्ना, पता नहीं कब आ जाए। ठीक है जी, तो अभी मैं मिलूँगा आपको वीडियो के इन बिटवीन, हो भी सकता है तो अभी चलते हैं क्योंकि मुझे अभी ना ये फ़ोन भी फिट करना है क्योंकि मुझे जो जैसी छत की लोकेशन है ना भाई उस हिसाब से ना मुझे कहीं लगा हुआ दिख नहीं रहा है। तो अभी पहले जगह ढूंढता हूँ और इस फ़ोन को लगाता हूँ और आप वीडियो को एंजॉय करो भाई। A few moments later. अबे तो कोई नहीं क्या क्यों? थोड़ा सा जैसे लगी पड़ी हो। वही है सारे। हैं? तेरे से लगी पड़ी हो आए तो नहीं आप एक बार भी कि हाँ चल हेल्प करवा दो थोड़ी सी। जो काम जिसको भाए उसी को अच्छा लगता है ना कि? हाँ ये बड़ा पता है जो काम किसको भाए उसको भाए इसको भाए। गेहूं तो साफ है इस बार यार। गेहूं तो साफ है। अच्छा मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे कि यार कस्टमर है मेरा इन्हें प्रॉपर्टी बेच रहा है तो बहुत मौके की जगह है, ऐसे के साथ जरूरत है। उसको कुछ बताया तो नहीं लेकिन कह रहा है कि भाई ऐसे बहुत सख्त जरूरत है और तो कह रहा भाई आप मिलते रहते तो पहले उसने मेरे को बताया, कह रहा अगर आपको लगे तो आप ले लो। मतलब समझी नहीं, मतलब प्रॉपर्टी हम कहाँ से ले लेंगे, हम पे कौन से पैसे पड़े हुए? पैसे तो नहीं पड़े लेकिन अगर सोचे तो कुछ ले सकते हैं यार। सोचे तो ले सकते हैं, सोचना भी तो ये है कि जुल्म की वाली बात है, अपने पे है कहाँ। अरे अपने पे नहीं है ना, मैं कह रहा था ना कि मेरे पास ना बंदे का फोन आ रहा है काफी दिनों से आ रहा है लोन के लिए, तुम्हारे पास भी आते रहते होंगे लोन तो यार बतेरे लोन आते हैं तो उसमें क्या है? लेकिन उसमें ये ना कि मेरे पास जिसका लोन आ रहा है रेगुलर आ रहा है, मतलब हर 2-4 से दिन में कर देता है फोन और मैं हर बार मना कर देता हूँ, या कभी बोलता हूँ मुझे नीड नहीं है, कभी बोलता हूँ मैं कहीं बिजी हूँ बाद बात करेंगे। तुम कहो तो एक बार बात करता हूँ मुझसे। ऐसा है हाथ जुड़वा लो, जो ऑलरेडी लोन चला उसे तो पहले भर लो। अरे प्रॉपर्टी लेने चल दिए वो भी लोन पे, हद है यार। मौके की प्रॉपर्टी सुधी। अरे मौके की हो जाए चौके की हो, पैसे भी तो होने चाहिए ना बैकअप में। अजीब बात कर रहे हो यार तुम। दुनिया भर की आजकल बैंक ने इतनी सुविधाएं चला रखी है लोन पे लोन लोन पे लोन के इतने पैसे। हाँ लोन पे लोन तो भरना नहीं होता, अपनी कब्र खुद ही खोदने वाली बात होती है। इतना इतना इंटरेस्ट भर भर के पागल हो गए हैं। आए दिमाग से सोचो, इस वक्त जो प्रॉपर्टी वो लाखों की लेकिन आने वाले टाइम में करोड़ों की होगी वो। अरे मैं कह रहा करोड़ों ना अरबों की हो, अभी अभी का कैसे करेंगे? अभी का अभी जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है उसको भरेंगे या फिर से नया लोन लेने बैठेंगे यार? अब समझो मेरी बात को, चीज मौके की है। हाँ। जब से वो मैंने देखी है ना, मतलब समझ लो कि मेरे को तो हर वक्त उसी का सपना आता रहता है कि यार वो कब मैंने प्रॉपर्टी ले ली खरीद ली और मैं उसमें घूम रहा हूँ अब। हाँ तो मुझे बाहर वाला जो बिला बनाना उसके सपने भी आते हैं, मैं क्या उसे खरीद लूँ जा करके? यार बेचोगे इसके अपनी किडनी बेचोगे मेरी बेचोगे? उससे भी नहीं आएगी मेरी बात सुनो, मेरी लास्ट जो बात हुई थी ना उससे, उसमें पता नहीं वो बता रहा था कि कुछ नया लोन आया, उस लोन पे क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना, सिर्फ आपको जो पैसा लिया वो देना है और वो भी आप अपने मुताबिक दे सकते हो। ये कौन सा लोन है जिसमें इंटरेस्ट नहीं भरना? बात करता हूँ यार एक बार। चल झूठा, क्या दिक्कत है? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? बात भी हो जाएगी क्योंकि तो यार मेरा तो मन में भाग ही है प्रॉपर्टी। अच्छा मुझे लग रहा है
टेनिकोस लेनी लेनी है, मैं फोन मिला रहा हूँ। लेना वेना नहीं क्या तुम फालतू का यार? तुम्हें नहीं लेना, मुझे तो लेना है ना यार। अच्छा देखो आज मैंने फोन कर दिया, वैसे आप मुझे फोन करते हो, आज मैंने कर दिया आपको फोन। अच्छा मैं कह रहा था मुझे ना यार कुछ पैसों की नीड है, ये कोई 40-1 लाख रुपए की। क्या बोला तूने? हाँ नहीं यार आईटीआर तो नहीं भरता मैं, प्रॉपर्टी यार वो फादर के नाम पे सारे कागज हैं तो मेरे को तो मिल ही नहीं सकती। नहीं है नहीं, 20 लाख नहीं चाहिए मुझे यार, 40 लाख रुपए से एक नया रुपए कम नहीं चाहिए, 40 लाख चाहिए तो चाहिए मेरे को। आप छोड़ो ना, आप मेरे को लास्ट अभी कुछ बता रहे थे ना, उस दिन मैं बात नहीं कर पाया था, आप बता रहे थे कि कोई एक कोई नया लोन आया जिसमें इंटरेस्ट नहीं देना है। ये कौन सा लोन है? LAW? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा जी, ऐसे भी लोन है मार्केट में? मैं तो पहली बार सुना यार। चलो इसी बहाने किसी किसी काम तो आएंगी भी। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा ठीक है यार, मजे आ जाएंगे यार इधर। अमित जी रंग लगे ना फिटके, रंग चौके चौका आ जाएगा। अच्छा मैं एक चीज पूछ रहा था कि यार ये तो अनसिक्योर्ड लोन है, अगर मैं नहीं भरता हूं तो? क्या बात कर रहे हो यार, क्या? अच्छा टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छा जैसे तिजोरी में सामान सेफ है वैसे सेफ है। हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो टेंशन, आप ऐसा करो ये आप ये सारी कार्रवाई चालू करो। अच्छा एक मेरे साइन और एक मदर इन लॉ के, जरूरी है क्या उनके साथ साइन करवाने? हाँ कर देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करो आप ये का, अरे उससे क्या पूछना यार, जो मैंने कह दिया वो हो गया, आप समझ रहे हो? हाँ ठीक है जी, चलो डन 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 डन, हाँ मेरी तरफ से बिल्कुल डन है, ठीक है चलो ओके बाय। तो मानते क्यों नहीं जब मैं मना करती हूँ तो? अरे मानते तो छोड़ो सुधी यार, एक रुपए का इंटरेस्ट नहीं देना है। वही तो मैं कह रही हूँ, फ्रॉड भी हो सकता है ना कोई, मतलब इन लोग कहाँ से आ गए बीच में? अरे वो लोन जो बता रहे है ना, बता रहे कि एक नया लोन आया है LAW। हाँ मतलब कि लोन अगेंस्ट वाइफ है, वाइफ के बिहाफ पे बैंक पैसा दे रहा है। तो मेरे पे लोन लोगे? तो मिल रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है? कम से कम सोचो किसी काम तो आ रही हो तुम। किसी काम का मतलब क्या है? किसी काम तो आ रही, पूरी जिंदगी में चला रही हूँ किसी काम। बोलो बोल मत देना दोबारा से ऐसे बकवास। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। कोई फ्रॉड रोड होते हैं सब, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। अरे कोई फ्रॉड नहीं है, पूरे एग्रीमेंट के साथ होगा सब चीजें। क्या एग्रीमेंट का क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं लेना है ना, कुछ नहीं लेंगे। अरे बड़े भाई हम ले रहे हैं, हम नहीं ले। तुम्हें दिक्कत क्या, टेंशन क्या है बताओ मुझे, क्या टेंशन है तुम्हें, क्या दिक्कत? पहले बात मुझे पता ही नहीं तुम बक क्या रहे हो, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है क्या है ये क्या नहीं है। भाई ऐसा है कि वाइफ के ऊपर बैंक एक लोन दे रहा है जिसमें आपको कुछ नहीं करना और सिर्फ प्रिंसिपल देना, वो भी अपने मुताबिक दे सकते हो आप, और जैसे 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 आप पे पेमेंट आती है वैसे पेमेंट कर सकते हो। और दूसरी ये है कि एक तरह समझ लो कि आप एज ए गारंटी काम आ रही हो। अगर ये लोन नहीं भरते हैं तो? वो कह रहे हैं कि उठा के ले जाएंगे हम। वो नौबत ही नहीं आएगी ना उठाने वाली, तुम डर क्यों रही हो? भरोगे ना? मत ला दोगे, दो मिनट में ला दोगे तुम, छुआ जान तो भरोगे नहीं, तुम्हारा तो काम आसान हो जाएगा ना। वैसे ही इंसान परेशान है अपनी बीवी हो, तुम मुझे तो गैप करवाने में इतना मेहनत नहीं लगाऊंगी। मैं तो गैप करवाऊंगा, तुम पागल हो रही हो कि तुम? इन चक्रों में मत पड़ो, मुझे नहीं पढ़ना इन चक्रों में, ना ही पढ़वाना है ठीक है, छोड़ दो
भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुए यार। क्यों रही हो तुम, रानियों की तरह रखेंगे? कैसे रानी, रानी क्या कहना चाह रहे हो? नौ लगाना भूल गया होगा, मुझे दूसरे घर के नौकरानी बना दोगे तुम? और कुछ नहीं नौकरानी नहीं, वो करो दो तीन डिपार्टमेंट है, जोन सा अच्छा लगेगा वो आपकी वाइफ ले सकती है। बच्चों को खिलाना, झाड़ू पोछा, और एक और बता रहा था। अरे मैं झाड़ू पोछा करूंगी? अरे अगर नहीं भरता हूँ तो भरूंगा ना मैं? नहीं भरा तो मेरी ऐसी इंटेंशन है। बकवास ही क्यों कर रही हूं? ठीक है बकवास तो करो, मतलब अरे मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं, तुम डर क्यों रहे हो? भरूंगा ना। तुम्हारी इंटेंशन मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है। साफ बोल दो ना कि निकल जा मेरी जिंदगी से, साफ बोल दो ना, मैं वही कर लेती हूँ ना। शर्म नहीं आ रही है कि पता नहीं कौन कौन सा लोन आ गया मार्केट में और ये लोन लेने चल दिए बाबू जी? यार नया लोन आया कर, लोग नहीं चाहिए हमें कोई ऐसा लोन। अरे लोग इतनी तेजी से पकड़ रहे हैं, बाइक के ऊपर लोन मिल रहा है कर। हाँ उसमें तुम एक बन जाओ ना, लोग इतनी तेजी से पकड़ रहे हैं, बोलते भी शर्म नहीं आ रही है। ये सोचो सोचो, प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी आज नहीं तो कल करोड़पति हो जाएगी। प्रॉपर्टी में क्या नाचोगे? मैं नहीं रहूंगी तो। तो तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? हाँ? नहीं भर पाया तो? अरे भरूंगा ना, एक रुपया भरूंगा भाई साहब। क्या गारंटी है? गारंटी है ना, उसका आने वाले टाइम में तुम पे फिर कोई और बड़ा लोन मिल जाए तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। मतलब नहीं समझो मेरी बात को, कि जिसे लोग कहते थे जिस चीज को, तुम्हारी से बकवास है मुझे आना भी नहीं, मुझे समझाने को कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं है इसका, समझ में आई बात? कुछ नहीं होने वाला, दर्द ना यहाँ हो जाएगा। जो लोग सोचते थे ना कि किसी काम की नहीं होती है, सोच किसी ने कहा किस काम की, मेरे सामने से बकवास मत करना, बता रही हूं। हाथ करके कहेगी चलो कुछ काम तो आई। अच्छा तुम अपना दिखा लो, कहीं तुम्हारे लोन मिलने 100 रुपए 50 रुपए। मेरे पे तो सोचो, मेरे पे तो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन फिलहाल तुम पे 40-1 लाख रुपए मिल रहा है और मैं खुदा प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मतलब मैं समझ कल की मीटिंग फिक्स है। अच्छा तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा ना, तुम्हारी मीटिंग फिक्स हो गया, मैं जाऊंगी नहीं पहली बात तो। मत जाओ, तुम्हारे जाने से होगा क्या, तुम तो एक ही बार जाओगे अगर मैं लोन नहीं भरूंगा तो। यार तुम्हारा ड्रामा ना बहुत हो रहा है, बकवास तो करो मत, ऐसी कोई चीज नहीं करनी है। देखो वैसे तो मेरी इंटेंशन है ही नहीं कि मैं वो वाली स्टेज लाऊं, लेकिन 1% मान लो किसी खुदाना खासा में किस्त नहीं भर पाता हूँ, ये उठा के ले जाते हैं, यही समझना कि घर में ही हूँ मैं। घर में रहूंगी मैं, दूसरे ऐसा में? ऐसा कह रहा हूँ, अगर ऐसा होता ऐसा तो होगा नहीं कभी सुधा। यार तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जान से प्यारी हो मेरी। अच्छा दिख रहा है तुम्हें कितनी तुम्हारी जो हरकत है ना, अगर ये हरकत रही तो पक्का मैं 2-3 किस्तें नहीं भरूंगा और अपनी गाड़ी में छोड़ के आऊंगा। ले जाओ इसे। वाहियात वाहियात आइडिया कहाँ से लेके आते हो? क्या वाहियात सुधा, क्या वाहियात, क्या है क्या वाहियात ही वाहियात है, सोचे मत लेना फालतू चीज, समझ में आई बात? दुनिया मेरे को क्या, पता क्या नहीं, मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा, मेरे को डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, मैं तुम्हारे चक्कर में लगा क्यों पड़ूंगा यार, तुमसे भेजा क्यों लड़ा रहा हूँ मैं? एक मेरे साइन तो मैं अपने कर दूंगा, राम मम्मी का भोली भाली है बोल दूंगा, मम्मी एक साइन करने कुछ डॉक्यूमेंट बनवा रहा हूँ सुधा के लिए, वो साइन कर देंगी जयराम जी की। तुम्हें लगता है मेरी मम्मी साइन कर देगी? अरे तुम्हारी मम्मी तो इतनी भोली है, मैं कहूंगा औकात में रहो तो कर देंगे। चलो मैं निकल रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? क्या करने सुनो, अरे अरे मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो तो सही, मम्मी को फोन मत करो पागल, मैं प्रैंक कर रहा था तुम, अरे देखो मम्मी को नंबर, जोर की लात मारी है उसने, मम्मी को क्यों फोन कर रही हो? मुझे अपने घर जान करूंगी नहीं मैं, लोन कैसा लगा तुम्हें बता दो, मुझसे ही बताना। बहुत ही बेवकूफी वाला आइडिया था,
और कोई भी विश्वास ना करे। पहला तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। चल छुट्टी। भाई साहब बेकार आइडिया था तुम्हारा, कुछ अच्छा नहीं करता। एक तो ऐसी चीज जिसपे कुछ पैसे कुछ मिल भी रहे थे, मतलब कोई मतलब किसी काम आ भी रही थी। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये जीजू, मेरा ये लोन वाला प्रैंक का आइडिया कैसा लगा था? मेरी वाइफ को तो बहुत ही बेकार लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना भाई, अच्छा लगा या अच्छा लगा या बेकार लगा तो जरूर बताना, वेट करूँगा आप कमेंट का और लाइक चाहिए ढेर सारे, ठीक है जी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।